तो भाई क्या हाल है, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई नो कि मैंने अपने 150-250 सब्सक्राइबर्स को काफी इंतजार कराया है, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। पर जब मैंने सोचा कि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले एक बार देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, उससे पहले और एक चीज बताना चाहूंगा, अब से वीडियोज रेगुलर आएंगी, शायद मे बी हाँ मोस्टली तो आएंगी। पर जब मैंने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सर्च किया तो हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखी। हर कोई कह रहा है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बेकार है और इन वीडियोज के टाइटल्स इतने नेगेटिव, जैसे I have lost all hope for the Indian gaming community. The Indian gaming community is just an empty shell. Why India has the worst gaming community? ये सब चीजें क्या हो रही है? So basically मैंने सारी वीडियोस देख डाली और पाया कि इनमें एक चीज कॉमन है, इनका पैटर्न, जो कि काफी मजेदार है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हर कोई इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहा है? अब सीधे उन दो कारणों की बात करते हैं जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी खराब हो गई है। सबसे पहला कारण है हमारे इंडियन स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये लोग हमेशा एक ही गेम खेलते रहते हैं और रिपीटेटिव कंटेंट एक पॉइंट पर आकर बोरिंग हो जाता है। तो दूसरा कारण ये है कि लोग खुद को वीडियो गेम लवर कहते हैं लेकिन उन्हें मूवीज और टीवी सीरीज ज़्यादा पसंद है। अगर तुम खुद को गेमर कहते हो तो गेम्स इंजॉय करो और दूसरों को भी एंटरटेन करो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर तुम भी इस नेगेटिविटी से परेशान हो तो रिलैक्स करो और गेमिंग के मजे लो।